अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस खान का किचन। आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे समर स्पेशल ड्रिंक यानी कि मैंगो मिल्क शेक, जो 2 मिनट में बन करके तैयार होगा। थिक एंड क्रीमी मैंगो मिल्क शेक। हाउ टू मेक अ मैंगो मिल्क शेक, यानी कि मैंगो मिल्क शेक कैसे बनाएंगे वो हम आज आपको बताएंगे। सुपर टेस्टी फ्रेश मैंगो मिल्क शेक। चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फ्रेश मैंगो। इसे हम अच्छे से वॉश कर लिए हैं पहले, फिर हम इसके ऊपर का जो कवर है वो कवर को हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम नाइफ की मदद से इसका कवर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर 2 मैंगो का मिल्क शेक बना रही हूँ। आप चाहे तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 मैंगो का भी मिल्क शेक बनता है, 2 से ज़्यादा के भी मैंगो से मिल्क शेक बनता है। ये मैंगो मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगा। कई तरह के मिल्क शेक बनते हैं। मैं आपको आज सिंपल सा मैंगो मिल्क शेक बनाना बता रही हूँ, जो चीज़ें हमारे घर पर ही मिलेंगी, जैसे कि शक्कर हो गया, दूध हो गया और दूध पे की मलाई हो गई। इस तरह से हम मैंगो का कवर निकाल लिए हैं। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से हमारा शेक अच्छा स्मूथ बनेगा। इसमें जो भी लम्स है अच्छे से ग्राइंड करने के बाद स्मूथ हो जाएंगे। छोटे छोटे पीसेस कर हम मिल्क शेक बनाएंगे। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे 2 मैंगोस के। ये मैंगो मिल्क शेक हम ऐसे भी पी सकते हैं, और हम इसे रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी हम इसे खा सकते हैं, जैसे कि इसे आम रस भी बोल सकते हैं या मैंगो मिल्क शेक भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम दूसरे आम को भी कटिंग कर लेंगे। हम थोड़े से मैंगो को बारीक बारीक भी कटिंग करेंगे, आगे बताएंगे क्यों कटिंग करेंगे। सो इस तरह से हम पहले इसे हम ग्राइंड करने के लिए इस तरह से पीसेस में कट कर रहे हैं। ये हम इसे थोड़ा सा पतला पतला और बारीक बारीक पीसेस में कटिंग करेंगे, बस थोड़े से ही मैंगो को हम इस तरह से एक बोल ले लेंगे। बोल में हम इसे बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर ले लेंगे। ये पीसेस हम गार्निशिंग के लिए कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे 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 पीसेस। इस तरह से हम थोड़े पीसेस को बारीक में कटिंग कर रख लेंगे। दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा ये मैंगो मिल्क शेक बनता है, या फिर इसे आम रस भी बोल सकते हैं। रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप, ऐसे भी पी सकते हैं। इसमें वनीला आइसक्रीम डाल ले तो और भी ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर आता है। मैं यहाँ पर सिंपल सी रेसिपी आपको बता रही हूँ। इसी तरह से हम सारे पीसेस को ग्राइंडर की जार में डालकर इसे एक फाइन स्मूथ पेस्ट बनाकर ले लेंगे। इसमें हम 4 चम्मच शक्कर ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड करेंगे, फुल फैट, लो फैट, जो भी आपके पास दूध घर पर है अवेलेबल वो आप उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। इसे हम स्मूथ पेस्ट बनाकर ले लिए हैं यहाँ पर। अभी हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस स्मूथ पेस्ट को हम आमरस भी बोल सकते हैं, जो रोटी के साथ खाते हैं। यहाँ पर मैं मिल्क शेक बना रही हूँ, इसीलिए मैं
ग्लास में गार्निशिंग कर कर के बताऊंगी। इस तरह से हम ग्लासेस ले लिए हैं, उसमें हम स्पून की मदद से भर ले रहे हैं। इस तरह से हम आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, वेनिला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ से बहुत सिंपल सी रेसिपी बता रही हूँ ताकि हर कोई आसानी से बना सके, जिसके पास आइसक्रीम अवेलेबल नहीं होता, किसी के पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए मैं सिंपल सी रेसिपी आपको बता रही हूँ। इस तरह से हम ऊपर से जो मैंगो के छोटे छोटे पीसेस कट कर कर रखे थे वो पीसेस हम ऊपर से डाल लेंगे। इस तरह से डालने के बाद हम इसके ऊपर अभी दूध की मलाई डाल लेंगे। दूध की मलाई तो सबके घर में अवेलेबल होता है। जब दूध गर्म करके ठंडा करते हैं तो ऊपर जो मलाई जमती है वो मलाई हम इसमें डाल लेंगे। दोस्तों, हमारा समर स्पेशल ड्रिंक मैंगो मिल्क शेक बन करके तैयार हो चुका है 2 मिनट में, वो भी 2 मिनट में सुपर टेस्टी फ्रेश मैंगो जूस बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फ्रिज में रखकर ठंडा होने के बाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।